माय यूट्यूब चैनल और कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली मैंने किचन की कुछ जो गंदगी थी वो साफ कर ली है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कुछ भी पैसा नहीं लगाया है और बिना पैसे के ही जो मेरे पास पुराना सामान पड़ा था उसी को यूज़ करके मैंने अपनी किचन को सेट कर लिया है। जी हाँ, देखिए मेरी किचन सेट हो गई है और मेकओवर मैंने कर लिया किचन का। आप लोग मुझे बताइए कि कैसा दिख रहा है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये है एक रैक जिसमें मैं जनरली वेजिटेबल्स रखती हूँ। तो मैंने क्या किया है, आप ये देख सकते हो, ये मैंने नीचे एक्चुअली ये यहाँ पे प्याज और लहसुन में मैं रखती थी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्याज के बहुत सारे छिलके, लहसुन के बहुत सारे छिलके जो हैं वो बहुत गंदा दिखाते हैं इस ट्रॉली को, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे हटा देना है और सबसे नीचे रखना है, क्योंकि नीचे इतनी अटेंशन नहीं जाएगी जितनी ऊपर जाती है। इसलिए मैंने पेपर बिछाया और उसके ऊपर मैंने प्याज और लहसुन रख दिया। लहसुन के लिए ये एक जो बास्केट टाइप की आती है ना, कंटेनर आता है जिसमें आप स्ट्रॉबेरी लेते हो, कीवी लेते हो, बस वही है, उसी के अंदर रख दिया है। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजर जो है वो जरूर लूंगी, बट अभी मेरा काम चल रहा है और ये ओके है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पोटैटो रख रखे हैं, जिंजर रखा है, और ऊपर आप ये देख सकते हो ये फ्लावर जो है वो मैंने रखा हुआ है। और ये एक बास्केट में रखती हूँ, इसमें मुझे दिन भर का जो भी फ्रूट खाना होता है ना हम लोगों को, मैं इसी में भर के रख देती हूँ फ्रिज से निकाल के, क्योंकि क्या होता है ना हम लोग एक साथ ही ज़्यादा मंगवा लेते हैं तो बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए फ्रिज में रखती हूँ। और फ्रिज का रखा हुआ तुरंत खा नहीं सकते, इसलिए मैं इसको सुबह फिल कर देती हूँ और दोपहर में हम लोग खा लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पार्ट बनाया है डेकोरेशन पर्पस से, आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ एक टोकरी आती है जिसमें मैं अपना ब्लूटूथ चार्जर वगैरह रखती हूँ। यहाँ एक है ये कंटेनर जिसमें मैं ग्लास अभी रखा हुआ है, और मैं जो कपड़े यूज़ होते हैं किचन के लिए मैं वो रखती हूँ, किचन नैपकिन सारे। और ये मेरा प्लांट आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को ज़रूर बताना। और ये प्लांट मैंने रखा हुआ है, प्लांट मेरे पास था तो मैंने ग्रीनरी के लिए रखा हुआ है। प्लांट्स वगैरह होते हैं ना तो किचन बहुत सुंदर लगता है, मतलब ग्रीन और पिंक रेड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और यहाँ पे अयांश भी आ चुका है, आपने उसके हैंड्स देख लिए होंगे। हाय 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 गाइस, तो गाइस अब हम आते हैं दूसरी तरफ जो कि हमारा सेक्शन है ये। तो ये यहाँ पे मैंने अपना मिक्सर रखा हुआ है, और मिक्सर के ऊपर ही मैंने ये एक ऐसे ढक्कन रख दिया है। ये ढक्कन के कंटेनर जो आते हैं ना, उसका टिन वाला जो कंटेनर आता है उसका ढक्कन है ये, तो मैंने इसी के ऊपर करके इसको रख दिया है ताकि थोड़ा सा ग्रीन जो है कलर ऐड करे और मेरे किचन को बहुत सुंदर बनाए। तो गाइज उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना उस पर ये एक मैंने रखा हुआ है कंटेनर, उसके अंदर जो मेरे बड़े वाले किचन टूल्स होते हैं ना वो रखती हूँ। यहाँ पे एक प्लाई बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने ये ऑयल रखा हुआ है, और उसके साथ ही मेरा जो अदरक कूटने के लिए क्रशर है वो रखा हुआ है। तो गाइज मेरा जो ये दो अनमोल रतन वाला सेक्शन है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इस प्लेस पे ना कुछ भी नहीं रखती हूँ, ये प्लेस पूरा मेरा क्लीन रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज जब भी कोई मेरे किचन में एंटर करता है ना वो सबसे पहला सेक्शन वो यही देखता है, और यही जब नीट एंड क्लीन सुंदर डेकोरेटेड होता है ना तो मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उसका दिल खुशी हो जाता होगा। तो गाइज ये सेक्शन जो है यहाँ पे मैं अपने सारे ज़रूरत के सामान रखती हूँ, इसमें भी अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मुझे थोड़ा पैसा इसमें लगाना है। जैसे ये स्टील कंटेनर्स लिए हैं ना, ऐसे ही मुझे पूरा रिप्लेस करना है। स्टील कंटेनर लेने के दो फायदे, एक तो प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कम हो जाएगा, और स्टील कंटेनर जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं, मेरा पैसा सेव हो जाएगा। अगर मैं प्लास्टिक का कंटेनर लेती हूँ तो मुझे उसे एक दो साल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्लास्टिक जो है उसकी भी एक एक्सपायरेशन डेट होती है, तो हमें चेंज करना हो फिर से दोबारा हमें पैसे लगाने हो तो उसका क्या फ़ायदा, इससे अच्छा एक ही बार काम करो, जो भी काम करो अच्छा करो, बस इसलिए मैं स्टील कंटेनर्स लेने वाली हूँ। तो गाइस ये जितने भी कंटेनर आप देख रहे हो ना जो लगे हुए हैं, सब मैंने खुद अपने हाथों से बांधे हैं,
ड्रिल कुछ भी नहीं कराया था। एक्चुअली ये रैक मुझे कम पड़ रही थी तो मैंने बाकी बर्तन के लिए ये सारा लगा लिया, क्योंकि मैं एक और रैक खरीदना नहीं चाहती थी और अभी एटलीस्ट नहीं खरीदना चाहती थी। तो गाइस ये मैंने बर्तन वगैरह जो है वो धुल दिए थे, मैंने किचन जो है पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो ना किचन साफ हो तो बहुत दिल खुश हो जाता है। अब आते हैं बाकी पार्ट। गाइस ये जो पार्ट है ना, ये फ्रिज बहुत गंदी हो गई थी, मैंने उसको पूरा साफ किया, और ये मनी प्लांट का जो है ना पेड़, दोनों इसको मैं बाद में हटाऊंगी। ये कंटेनर जो है ना, ये वाज के साथ फ्लावर वाला रेड रोज वाला, ये रहेगा यहाँ पे, और ये एक रहेगा क्योंकि इसमें मैं बेसिक चीज़ें रखती हूँ जब मुझे लिपस्टिक की ज़रूरत हो गई, या फिर ये मार्कर, ये बेबी की कंघी, और बेबी कंघी फेंकता जाता है तो मैं यही रख देती हूँ, एक कोम्ब, ये सारी चीज़ें हैं। ये आयांश का ऑयल है जो मैं पका के रखती हूँ, मतलब बनाती हूँ सर्दियों के लिए। यहाँ डेटॉल है, और ये वॉशिंग मशीन के लिए डिटर्जेंट सोप। तो अगेन गाइस हमारा जैसे कि जहाँ वॉशिंग मशीन लगी है वहाँ पे कुछ भी डिटर्जेंट रखने की कोई जगह नहीं है, जो भी आपका लॉन्ड्री का सामान होता है रखने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने फ्रिज को ही चुना। और बहुत ही मुझे कंफर्टेबल लगता है कि फ्रिज से उठाया, फ्रिज पे ही रख दिया और हो गया, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ड्रिल कराने में प्रॉब्लम होती है ऑब्वियस सी बात। तो गाइज ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपना ब्रश वगैरह रखते हैं, और यहाँ बर्तन धुलने वाला रखा है, ये मेरा डिश वॉश रखा है, ये मेरा डिटॉल रखा है हैंड वॉश, ये एक ऐसे ही कप है जिसके अंदर मैंने हमारे ब्रशेस रख दिए हैं, और ये एक लैंटेन था जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, दो बॉटल्स रखी हैं, ये मिल्क की बॉटल है जो हम सुबह रिटर्न करते हैं और फिर हमें नई बॉटल मिलती है, और पीछे मैंने वाइपर रख दिया। ये मिल्क की बॉटल जो है ना हम लोग कहीं और भी रख सकते थे, बट आयांश के रीच में आ जाता है ना तो फिर वो टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है, और 30 रुपये एक बॉटल अगर टूट जाती है तो हमें देना होगा, बस इसलिए मैंने इसको उधर रखा हुआ है क्योंकि अयांश वहाँ तक नहीं जाता है। और बस गाइस इतना ही है, मैंने डेकोरेशन इतना ही मैंने किया हुआ है। तो गाइस ये था मेरा किचन का मेकओवर, और जो कि ज़ीरो बजट में है, मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है बाहर से, सारी चीज़ें घर की जो थी पहले उसी को तोड़ मरोड़ के यूज़ किया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।